Hello students, welcome to Inside Biology Classes. I am Dr. Shilpi Kumari. How are you? I hope कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप enjoy भी कर रहे हो पढ़ाई को. तो जैसा कि हमने अभी तक के लेक्चर में क्या देखा, अभी तक के लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी बातों को जाना, लाइक व्हाट इज लिविंग थिंग्स, देन बायोडायवर्सिटी एंड ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स. उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू भी सॉल्व किया. काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि उसमें जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस जो थे, टिपिकल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैंने पुट अप किया था. और बहुत ही ज्यादा ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस टॉपिक में भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता चलेंगी और साथ ही साथ आप इसको बहुत एंजॉय भी करने वाले हो. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, राइट. तो टैक्सोनॉमी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, पिछले दो क्लास, तीन क्लास में हमने देखा है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी. बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन के बारे में हम जिसमें जानते हैं, जिसमें अध्ययन करते हैं, जिस साइंस के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एक्चुअली हम लोग पूरे के पूरे इंटायर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बातें करेंगे. बट ये तो मैं, जो आज का टॉपिक है वो तो चलेगा ही चलेगा. बट बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आप लोगों में से जिन स्टूडेंट ने भी, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसे लाइक और शेयर जरूर करें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2. What is biological classification? ये जो classification हम कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, living organisms का. तो ये living organisms का जो classification है उसका basis क्या है, क्या आधार है जिसके वजह से हम इतने, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब का क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उसका बेसिस होता है. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप एंड द सब ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज. यानी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है उनके सिमिलैरिटीज, उनमें क्या आपस में समानता है और क्या विषमता है, उसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है. So the biological classification is basically the grouping of organisms into the group and subgroup on the basis of their similarities and dissimilarities, right? So the biological classification system is derived from a system developed by Swedish biologist Carolus Linnaeus, जिनका बहुत बड़ा contribution हमारे टैक्सोनॉमी वाले सेक्शन में है. क्योंकि जैसा कि आपने देखा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहे जाते हैं, कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं. सो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टैक्सोनॉमी में. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है. हम लोगों ने मेथड जाना, क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्या जरूरी पड़ा, क्या बेसिक मतलब उसका इंपॉर्टेंस रहा. सो लेट्स सी, इट मेक्स द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी. इतने सारे जो 1.7, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे इस अर्थ पे हैं. तो इतने ज्यादा, इतनी बड़ी संख्या में जो स्पीसीज हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे. सो आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको क्लासिफाई करना जरूरी था. सो इट मेक्स द स्टडी इजियर
of the larger number of living organisms. First point. So second, it gives an idea of whole range of diversity found in organism. Yani jitne bhi organism hai, unka whole range, agar hum dekhe jitna bhi wide range hai, us level pe hum usko classify karte hain aur usko understand karte hain. So it provides informations about the interrelationships among the organism. Aur ye kya karta hai? Ye jo ek organism ka dusre organism ke saath kya relationship hai, ye bhi information hame milta hai. Agar suppose koi ek group बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स का, लेट्स सपोज हम अगर बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैमल्स, मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स का मतलब सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है. कुछ मैमल जो है एक्वेटिक हैं, कुछ एरियल हैं. फॉर एग्जांपल बैट, बैट इज आल्सो मैमल. लाइक व्हेल, डॉल्फिन मैमल है, एक्वेटिक मैमल है. और जो लैंड पे रहने वाले हैं लाइक चीता, लॉयन, डॉग, ह्यूमन बींग्स, All are mammals. तो यानी कुछ तो इसके characters होंगे जो कि similarities रखते होंगे, तभी इनको एक अलग class में place किया गया है, right? So it provides basically information about the interrelationships among the organism. So it gives an idea of evolution of various groups of organism. ये हमें ये भी बताता है कि जो जितने भी group of organisms हैं, उनका इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, आई मीन इनके पूर्वज कौन है, ये किससे मैच करता है और क्या इनका फाइलोजेनेटिक सिस्टम रहा है. नाउ इट गिव्स अ सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिज्म. और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम नोन एंड अननोन ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. So now let's see about the three different types of classification system. First one is artificial system of classification, second one is natural system of classification, and third one is phylogenetic system of classification. Let's see one by one. Firstly, I will going to talk about the artificial system of classification. Artificial system of classification mein jo main basis raha hai wo morphological characters tha. प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्लेस किया गया था इसमें, उसको आधार माना गया था. और इस सिस्टम को पढ़ने से पहले, अगर हम इससे भी पहले अगर हम देखें, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इंटायर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में प्लेस कर दिए. अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने भी इंटायर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में प्लेस किया था, वन इज प्लांट, अनदर वन इज द एनिमल. प्लांट को भी उन्होंने तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया था, लाइक हर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज. और एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी. एक हो गया एनिमा, एक हो गया इनिमा. एक वो ऑर्गेनिज्म जिसके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, एक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट है. तो यानी एनिमा और इनिमा के बेसिस पे उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया. बट और भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते गए उसका ड्रॉ, क्योंकि अदर ऑर्गेनिज्म को तो प्लेस करने का कोई पॉसिबिलिटी दिखा नहीं. आई मीन इंटायर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने, उन्हें बस दो ही चीज समझ में आई एट दैट टाइम, कि प्लांट और एनिमल. ठीक इसी तरह से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, दिस इज बेसिकली द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को जो क्लासिफाई किया गया था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम में क्या आधार क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे. यानी मॉर्फोलॉजी के बेसिस में, यानी एक्सटर्नल फीचर्स को देख के. अब एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होगा, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स और उसके हैबिट के मोड, मतलब विच काइंड ऑफ बेसिकली द हैबिट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उनका हैबिट क्या है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को. दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, एंड दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. डोंट फॉरगेट इट, इसको जरूर याद रखिएगा. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. यस. So such system were artificial, they separated the closely related species since they were based on a few characteristics. But इस system का कुछ drawback था. क्या drawback था?
Let's see. The criteria used for classification are superficial. ये जो criteria रखा गया था इसके classification के लिए, classification का जो ये criteria था वो superficial ही ऊपर ऊपर रखा गया कि बस external morphology को देख लिया, habit देख लिया, उसका color क्या है, उसका leaf का shape कैसा है, उस basis पे morphological basis को main आधार मान करके classify कर दिया and don't reflect the natural relationship. इसका natural relationship पे कोई तालमेल नहीं था, ठीक है? So this system does not reflect the evolutionary relationship, जो कि ये evolutionary relationship को नहीं बताता है between the organism, ये जो different organisms का आपस में किस तरीके से ये evolutionary attached हैं, ये बिल्कुल भी ये नहीं बता पाया ये सिस्टम. सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और इस आर्टिफिशियल सिस्टम में जो मेजर ड्रॉबैक सामने आई वो ये था कि इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम इक्वल वेटेज दिया. जैसा कि हम जानते हैं जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंजर्व नहीं होते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन से. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. ओके, मेनी अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट लाइक ड्वेलिंग. अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म सेम प्लेस पे रह रहा है बट उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है लेकिन उसको सेम ग्रुप में रखा गया. फॉर एग्जाम्पल वेल एंड फिश, वेल्स एंड फिशेज इन द सेम ग्रुप, उनको सेम ग्रुप में रखा गया. सिर्फ यही आधार रखा कि ये एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को लीड करते हैं, यानी फिशेज भी वाटर में रह रही हैं और वेल्स भी वाटर में रह रही हैं, तो इनको एक ग्रुप में रख दिया गया. बट लॉजिकली देखा जाए तो ये सही नहीं है क्योंकि फिशेज तो पाइसेस हैं और ये वेल्स जो है वेल्स मैमल है ना, तो ये मतलब डिस्प्रूव हो गई ये बात. सो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर हैबिटेट, फीडिंग हैबिट एक्सेट्रा. सो अभी हमने देखा फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसका नेचुरल सिस्टम से कोई तालमेल नहीं था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से कोई मैच नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपस में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप को शो नहीं कर रहे थे, मतलब उनको इस बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं किया गया. बट नाउ सेकेंड इज अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय वेंथम एंड हुकर. सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड विच were based on the natural affinities among the organism and considered not only the external features but also the internal features. यानी कि अब ये जो system of classification था natural system, इसमें सिर्फ morphological characters को आधार नहीं माना गया, इसमें anatomical features को भी रखा गया. Like morphology के साथ साथ internal structure, अगर हम बात करें ultra structure, anatomy, embryology, phytochemistry, इन सभी को basis बनाया गया. Such a classification for the flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. So, who proposed the natural system of classification? Natural system of classification was proposed by Bentham and Hooker. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. सो द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज स्पेसिफिक एडवांटेज ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. पहला एडवांटेज तो हमारे सामने है क्योंकि उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रखा गया था और मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे वो कंजर्व्ड नहीं होते हैं, बहुत ही इजिली वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मतलब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो, राइट? लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया. सो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स एडवांटेज ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम, स्पेसिफिक एडवांटेज ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम. सो इट अवॉइड्स द हेटरोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. इट हेल्प्स इन प्लेसिंग only related organisms of organism together. It indicates the natural relationships among organisms.
It also provides a clear view on the evolutionary relationship between the different group of the living organism. इस सिस्टम में evolutionary relationship भी देखा गया. तो ये जो था वो natural system of classification artificial से काफी सही माना गया. Now third one is the phylogenetic system of classification. Phylogenetic इसका मतलब हो गया evolutionary relationship. मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर कहीं भी आपने ये देखा, ये टर्म आपने सुना फाइलोजेनेटिक, तो आपके माइंड में क्या आएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी यानी इवोल्यूशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके पूर्वज कौन है, वो किससे लिंक्ड अप है, ये सारी बातें आपको फाइलोजेनेटिक सिस्टम में देखने को मिलेगी और ये इसका मेन आधार था. So classification based on evolutionary relationship of organism is called the phylogenetic system of classification. So classification यहाँ पे कौन से आधार पे किया गया? Evolutionary relationship के basis पे किया गया. तो इसका नाम दिया गया phylogenetic system of classification. So it is based on the evolutionary concept from the Darwin's book on the origin of species by means of the natural selection, the preservation of the favored races in the struggle for life in which year? In the year 1859. यानी ये जो phylogenetic system of classification वो based था Darwin के concept पे, Darwin के book के concept पे based था, क्योंकि Darwin बहुत बड़े naturalist थे जिन्होंने natural selections का कॉन्सेप्ट दिया. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी बुक है, तो उस बुक के आधार पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम को दिया गया. सो इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म, और ये बताता है ट्रू रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या रिलेशनशिप है, ये इसके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है और ये इसमें बताया जाता है. First phylogenetic system was given by Egler and Prandtl in the year 1887 to 99. Egler and Prandtl arranged flowering plant according to increasing complexity of their floral morphology. Egler और Prandtl दोनों ने मिलकर के flowering plants को उनके increasing complexity के आधार पे, यानी कि उनके floral morphology के आधार पे उन्हें क्लासिफाई किया. मोनोकॉट्स वर कंसीडर्ड प्रिमिटिव टू डाइकॉट, और इस सिस्टम में बताया गया कि मोनोकॉट जो है वो प्रिमिटिव है डाइकॉट से. ठीक है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या ड्रॉबैक रहा? इसका भी ड्रॉबैक था. इट कंसीडर्ड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम अ सिंगल स्टॉक, दैट इज द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन. ये डिस्प्रूव्ड हो गया. इंप्रूव फाइलोजेनेटिक सिस्टम वर लेटर प्रपोज्ड बाय हचिनसन इन द ईयर 1959 एंड तकतजान इन द ईयर 1966. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. फर्स्टली जिन्होंने डिस्कवर किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम को वो एगलर एंड प्रांटल थे. ठीक है, बट इंप्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम को किसने दिया? हचिनसन एंड तकतजान ने दिया. फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक. फाइलोजेनेटिक सिस्टम स्टैटिक नहीं है, वो बहुत ही डायनेमिक है. सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज चेंज्ड एंड अपडेटेड. फाइलोजेनेटिक सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, ये इसका ड्रॉबैक था. सो बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट हाउएवर डिफर इन देयर कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. क्योंकि अगर हम बॉटनिस्ट की बात माने तो उनका ये कॉन्सेप्ट रहा कि इतने जो न्यूमरस नंबर के जो प्लांट्स अवेलेबल है और इननिम्यूरेबल डिफरेंसेस है, तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ प्लांट्स को कैसे आप गैदर करोगे और उसको क्लासिफाई कैसे करोगे? सो बॉटनिस्ट हैव नोटिस्ड इन्यूमरेबल डिफरेंसेस इन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ प्लांट्स. तो फिर कॉन्सेप्ट आया फेरेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं टैक्सी मैट्रिक्स का.
और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा. इट इज अ सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन एफिनिटीज सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द present day organism without searching for the evolution and diversification of these traits in their fossils and ancestor. So, इसका आधार क्या रहा? ये basically वो system of classification है जिसमें ये भी phylogenetic classification system के अंतर्गत ही आता है, but इसमें जो आधार था वो आधार क्या था? Affinities, similarities, dissimilarities of the characters present इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म. आज के भी डेट में जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो उन इवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनिज्म आई मीन प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्या कोरिलेशन था, ये सब भी मतलब इसमें इंक्लूडेड था. सो इसको भी अगेन तीन डिफरेंट थ्री और फोर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं अबाउट द साइटोटेक्सोनॉमी. ये फेरेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है. ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी में क्या है? साइटोस मीन्स सेल, टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन. यानी क्लासिफिकेशन साइटोलॉजिकल बेसिस पे होगा. अब ये साइटोलॉजिकल बेसिस बात समझ में नहीं आई कि क्या आधार होगा. तो ये हो सकता है टाइप ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, साइज ऑफ क्रोमोजोम्स, मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स, ये सब आधार. यानी कंपेरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी इसका मेन रूट काउज था. So, it is the classification basically based on the information provided by comparative cytological studies, number of chromosomes, structure and meiotic behavior of the chromosomes. So, it is known that fewer and larger chromosomes have been formed in many cases by the fusion of smaller chromosomes. ठीक है? Next, herbaceous plant की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं हर्बेसियस प्लांट हैव लार्जर क्रोमोसोम देन दोज ऑफ द वुडी प्लांट. नेचुरली हर्बेसियस प्लांट्स आर मोर एडवांस्ड देन द वुडी प्लांट. तो एक इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो एडवांस प्लांट है उसके क्रोमोसोम्स बड़े साइज के हैं. ठीक है, तो जितने भी एडवांस थे यानी साइटोलॉजिकल बेसिस के आधार पे उसे साइटोटेक्सोनॉमी करके साइड कर दिया गया. In many genera, the same basic chromosome number has been found in different species. और बहुत ऐसे genera थे जिसमें same chromosome number था. ठीक है, और उसको मतलब but लेकिन वो species differ कर रहा था, chromosome number same थे. For example, 12 in Solanum species and 9 in Chrysanthemum species. Human beings have 46 chromosome, while ape have 48 chromosome. तो ये difference आ गया. सेकेंड केमोटेक्सोनॉमी. केमोटेक्सोनॉमी इसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स. बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स यानी डेफिनेटली इसमें पूरी केमिस्ट्री इंक्लूडेड होगी. केमिस्ट्री क्या? बायोकेमिस्ट्री. लाइक बायोकेमिस्ट्री में हम क्या जानते हैं? अमाइनो एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, अल्कलॉइड क्रिस्टल, बीटा साइनिन, ये सारे हैं. सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक द अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंसेस, अल्कलॉइड क्रिस्टल्स, बीटा साइनिन एसेट्रा. सो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट आर जनरली स्पेसिफिक होता है. जितने भी प्लांट हैं उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट स्पेसिफिक हैं और स्टेबल होते हैं. दे डोंट चेंज इजिली. आप उसको इजिली चेंज नहीं कर सकते. नाउ थर्ड इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल मीन्स स्टैटिस्टिकल, राइट? सो इट इवेल्युएट्स रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस और द प्रिमिटिवनेस and advancement through the statistical method based on large number of character obtained from all the discipline of the biology. अब आप जरा सोचो, plant है तो plants में भी कितना variation है और इतने सारे उसके characters हैं, morphological characters, anatomical characters, उसके जो differences हैं और इतने organ, इतने plant के ही varieties हैं, उन सब को study करना क्यों ना इजी नहीं हो जाता? अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करें तो डाटा को आप एक्यूमुलेट करके उसको कंबाइन कंपाइल करके आप उसको इजीली
सेग्रीगेट कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था वो इसी बेसिस पे आधारित था। सो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन ऑफ द बायोलॉजी, तो नीट क्या पढ़ा कि आप उसको कितने इजी वे में क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, राइट। दिस फॉलोड बाय द असाइनिंग देम नंबर एंड कोड्स ऑफ कंप्यूटर लाइक प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब डेटा नॉट अवेलेबल, किसी ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लांट हो उसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, वहां पे थीटा पुट कर दिया। बहुत ज्यादा मिल रहे हैं उसमें प्लस का साइन है, किसी का कम है तो वो माइनस में आ गया। फॉलोड बाय द कंप्यूटर एनालिसिस, इट एस्टैब्लिश द न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स। नाउ लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां तक हमने अभी तक जो देखा उसमें हमने देखा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, उससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में समझा, फिर आया फेनेटिक सिस्टम, और अब हम अगर इंटायरली समराइज करें ओवर टिल नाउ कि इवोल्यूशन ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या रहा, तो आप स्टार्टिंग से देखो टू किंगडम सिस्टम प्लांट और एनिमल्स विच वॉज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस इन द ईयर 1735। सो कैरोलस लीनियस इन्होंने इंटायर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा, जैसा कि हमने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्हीं का दिया हुआ है। तो इसमें जितने थे ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट थे या एनिमल थे, तो ये टू किंगडम सिस्टम हो गया। नेक्स्ट एज यू सी ऑन माई स्क्रीन थ्री किंगडम विच वॉज गिवन बाय द अर्नेस्ट हेकल, एंड दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको जरूर याद कर लेना। और जब भी ये लेक्चर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप पेन और कॉपी साथ में रखो, जहां पे जो मैं पॉइंट बताती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लो, तो डेफिनेटली आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल क्लासरूम है, क्लासरूम की तरह यहाँ क्लास चल रही है। ईच एंड एवरी लेक्चर्स आपको इलेबोरेट फॉर्म में 100% एनसीईआरटी बियॉन्ड इट ऑल्सो वो सारा प्रोवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं और जिस वे से मैं बता रही हूं आप इसको फॉलो करें, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको आपके स्टडी में। सो द थ्री किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल इन द ईयर 1866, फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, सेकेंड इज प्लांसी एंड थर्ड वन इज एनिमेलिया। यानी कि अर्नेस्ट हेकल ने क्या प्लेस कर दिया, अभी तक था प्लांट्स और एनिमल, बस इंटायर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दो ग्रुप में था, लेकिन हेकल ने एक तीसरा ग्रुप ऐड कर दिया, थ्री किंगडम थर्ड किंगडम को ऐड किया और उसमें प्रोटोजोन्स को रखे। यानी उसमें क्या रहा, प्रोटिस्टा, उस किंगडम का नाम क्या रहा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया, ठीक है। और प्रोटिस्टा ये एक ऐसा किंगडम है कि इसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत, इसके अंदर कुछ प्लांट भी हैं, इसके अंदर कुछ एनिमल भी हैं, तो इस तरह से मतलब वेरिएशंस है इसमें, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज फोर किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय द कोपलैंड। कोपलैंड इन द ईयर 1956 ही वॉज डिस्कवर्ड द फोर किंगडम सिस्टम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा टू किंगडम में तो प्लांट और एनिमल्स, यानी प्लांसी और एनिमेलिया, यही दो किंगडम थे। थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा को ऐड किया गया, प्लांसी एंड एनिमेलिया, एंड नाउ फोर्थ किंगडम इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांसी एंड एनिमेलिया। इसका मतलब इसमें क्या इंक्लूड किया गया, मोनेरा को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांसी और एनिमेलिया, ये कोपलैंड ने 1956 में प्रपोज किया। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम सिस्टम इज द फाइव किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय द आर एच विटेकर इन द ईयर 1969, और इन्होंने इंटायर ऑर्गेनिज्म को फाइव डिफरेंट किंगडम में प्लेस किया। अब अभी तक कोपलैंड में तो चार, कोपलैंड ने चार किंगडम को प्रपोज किया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांसी और एनिमेलिया था, तो क्या ऐड किया इन्होंने, इन्होंने फंजाई को ऐड किया, ठीक है। तो अब हो गए ये फाइव, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांसी, एनिमेलिया।
ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी वे में आपको याद रखना है, टू किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, थ्री किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल, फोर किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय कॉपलैंड एंड फाइव किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय आरएचबी टेकर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर कैरोलस लीनियस के बारे में पूछा जा रहा है, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया, तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल दिया। अर्नेस्ट हीकल की बात करें तो अर्नेस्ट हीकल ने क्या इंक्लूड किया, ये भी याद रखना होगा आपको। इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम दिया बट इंक्लूड क्या किया, प्रोटिस्टा को किया। फोर किंगडम सिस्टम का को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कॉपलैंड है बट इन्होंने फोर्थ ग्रुप क्या ऐड किया, फोर्थ किंगडम क्या ऐड किया, मोनेरा को ऐड किया। और द फाइव किंगडम सिस्टम जिसको कि आरएचबी टेकर ने प्रपोज किया, तो उन्होंने क्या ऐड किया, फंजाई को ऐड किया, किंगडम फंजाई। ठीक है, याद रहेगा। यस, लेट्स सी द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, एंड लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक वे। लीनियस क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द टू लार्ज किंगडम्स, दैट इज प्लांसी एंड एनिमेलिया। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनमें उन्होंने देखा कि जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जिनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, उन सबको उन्होंने प्लांट्स में प्लेस कर दिया, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो भी प्लांट में प्लेस कर दिया। एनिमल में उस ग्रुप को रखा गया जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे, यानी हेटरोट्रॉफिक थे, उनको एनिमालिया में रखा गया जिसमें सेल वॉल नहीं था, राइट। सो किंगडम प्लांसी, दिस किंगडम इंक्लूड बैक्टीरिया। अब इस किंगडम में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, तो दिस किंगडम इंक्लूड बेसिकली बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। इन सबको कहां प्लेस कर दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि चलो ये बात तो समझ में आती है कि फोटोसिंथेटिक प्लांट प्लांसी में आ गया, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को क्यों प्लेस किया। डेफिनेटली फंजाई के केस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, शायद उनके माइंड में यही बात रही होगी कि इसमें प्लांट का कैरेक्टर है क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। कंपोजिशंस आर टोटली डिफरेंट बट सेल वॉल तो है ना, तो यहां पे प्लेस कर दिया। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बट उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट देयर कंपोजिशंस आर टोटली डिफरेंट। ये तो बात की बात है, लेकिन सेल वॉल है ना, तो ये उनका आधार रहा होगा कि मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हुए भी उसको फोटोसिंथेटिक प्लांट और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इन तीनों को उन्होंने एक ही ग्रुप प्लांसी में प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता रखा था। खैर अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बैक्टीरियोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड, अनदर नेम इज म्यूरिन, एंड देयर केमिकल कंपोजिशन इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्लियर। इन द केस ऑफ द फंजाई also cell wall is present but their composition is, it is made up of chitin, chitinous cell wall present hota hai and acetyl glucosamine. In fact jo bacteria ka jo cell wall hota hai wo NAG or NAM, as you know, an acetyl glucosamine and an acetyl mimetic acid, ye hai. Plant ke case mein, plant mein jo cell wall hota hai wo cellulose ka bana hota hai. मतलब ओवरऑल हमने क्या सिमिलैरिटीज देखा कि इन तीनों ऑर्गेनिज्म जिसे प्लांसी में प्लेस किया लीनियस ने, सेल वॉल प्रेजेंट था, इसमें से कुछ जो है वो अपना भोजन खुद बना रहे थे, यानी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, तो उसको भी प्लांसी में रखा, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी प्लांसी में रखा, रीजन सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियस ने किंगडम एनिमेलिया में क्या रखा, लेट्स सी। दिस किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स, और द मेटाजोआ को प्लेस किया गया, मेटाजोन्स को प्लेस किया गया इसमें, यानी यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स भी थे इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं ना अमीबा, पैरामीशियम, तो ये प्रोटोजोन्स हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स को भी इसमें प्लेस किया, और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर एनिमल्स और मेटाजोन्स को एनिमेलिया किंगडम में प्लेस कर दिया।
क्या लिमिटेशन था। तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना एंड द स्पॉन्जेस शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें कुछ ऐसा सिमिलैरिटीज देखने को मिला जो कि कुछ कैरेक्टर्स उसके प्लांट से मैच कर रहे थे, कुछ एनिमल्स के थे। ठीक है, एग्जाम्पल, इन यूग्लिना सम स्पीसीज हैव क्लोरोफिल। यूग्लिना फोटोसिंथेटिकली मतलब अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लेता है, यानी कुछ यूग्लिना में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो नाउ दे आर बेसिकली एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड एंड आर ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट्स। अ फ्यू स्पीसीज ऑफ यूग्लिना लैक क्लोरोप्लास्ट, लेकिन कुछ स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट नहीं है एंड आर देयरफॉर कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन सी कि यूग्लिना एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है बट इसमें कैरेक्टर्स कुछ कभी प्लांट्स का दिख रहा है, कभी एनिमल्स का दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड, दे हैव अ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरिंग आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अदर, जैसे कि कलरलेस फॉर्म इंगेस्ट स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड कैरी आउट द इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, यानी ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेटिकली भी एक्टिव है और अपना भोजन बना सकता है, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है बट कहीं पे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, कैरी आउट द इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइक द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यूग्लिना इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमल पिगमेंट व्हिच इज सेड टू बी द एस्टाजैंथिन इन द आई स्पॉट। अब ये जो कैरेक्टर था ये एनिमल से मैच कर रहा था क्योंकि उसके आई स्पॉट में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि एनिमल में देखने को मिलता है, तो ये एनिमल का फीचर हो गया। Fungi and mold were placed under the kingdom Plancy, but they possess as many characters not common to plant. Like fungi lack chlorophyll, fungi में chlorophyll नहीं था. They are heterotrophic, like the animals. वो animals की तरह heterotrophic mode of nutrition show करते हैं. ठीक है? तो फिर भी उसको place किया गया Plancy में. Fifth, bacteria and cyanobacteria की बात करें, bacteria और cyanobacteria यानी कि blue green algae have many similarities, दोनों में बहुत similarities है which are quite different from other organism, और ये दूसरे other organism से totally different है, thus it is difficult to place them in their plant or animal kingdom, तो इनको place करना plant और animal में बहुत different मतलब difficult हो गया था, तो इनको तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया, तो ये एक इसका लिमिटेशन हो गया। नाउ सिक्स, द स्टेटस ऑफ द वायरस वेदर दे आर लिविंग और द नॉन लिविंग इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट इवन टुडे। आज के डेट में भी वायरस को लेके काफी डिस्प्यूट है कि आखिर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, डिस्कवरी चल रही है, रिसर्च चल रहे हैं, बट ये आज भी एक डिबेट का विषय है क्योंकि वायरस के बारे में जो हम लोग जानते हैं, व्हाट आर वायरसेस, दिस वन इज बेसिकली द होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। अगर होस्ट के बॉडी में है तो वो लिविंग प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, सारे मैकेनरी एक्शंस उसके परफॉर्म होते हैं, लेकिन लिविंग से अगर बाहर है तो इनर्ट पार्टिकल लाइक दैट इनर्ट पार्टिकल वो बिहेव करता है। तो यानी कि इसके जो फीचर्स हैं वो लिविंग में भी हैं और लिविंग नॉन लिविंग के भी हैं, यानी ऐसा माना जाता है दिस इज द बेसिकली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, बट अभी डिस्कवरी चल रही है। Let's see about the three kingdom classification system which was given by Ernst Haeckel. और ये three kingdom classification system में हमने क्या देखा था, Plancy, Protista and Animalia, इसमें include क्या किया गया था, Protista को include किया गया था। ठीक है, Haeckel in the year 1866 he proposed the three kingdom classification system and he divided the living organism into the three kingdom, basically the Plancy, Protista and Animalia. In the case of the Plancy, जो plant के characters से match करते हुए जो organism थे उनको plants में place कर दिया, Protista में unicellular organisms जो थे उनको place कर दिया गया, और Animalia में animal वाले जो मतलब all to all animals को यहाँ पे place कर दिया गया। Now next is four kingdom classification. Four kingdom classification, four kingdom system
बोल रहे हैं तो क्या इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मोनेरा को इंक्लूड किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कोपलिन ने किया था, राइट? साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, विद देयर कितने 4 किंगडम सिस्टम या 3 किंगडम सिस्टम. सो हियर वी कैन सी द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वॉज गिवन बाय द कोपलिन इन द ईयर 1956. क्रिएटेड अ सेपरेट किंगडम ऑफ मोनेरा. इन्होंने क्या प्रपोज कर दिया, एक सेपरेट किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, और वो सेपरेट किंगडम क्या था? मोनेरा, जिसमें कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया गया. दिस डिवाइडेड द इंटायर लिविंग वर्ल्ड इनटू द 4 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांसी एंड एनिमालिया. इन दिस सिस्टम फंजाई कंटिन्यू टू रिमेन विद द किंगडम प्लांसी. और इस सिस्टम में भी फंजाई को कहां रखा गया? प्लांसी में ही रखा गया. Now let's come the most acceptable 5 kingdom system of classification, which was given by R.H. Whittaker in the year 1969. So 5 kingdom system में कौन सा group को add किया गया? Which kingdom को include किया? कौन से kingdom को include किया गया? Yes, fungi को add किया गया. Monera, Protista, Plancy, Fungi and Animalia. So R.H. Whittaker in the year 1969, an American taxonomist divided all the organism into the 5 kingdoms based on their evolutionary relationship among themselves. The 5 kingdom classification is based on the following criteria. अब आप बोलोगे क्या criteria रखा गया? बहुत important है. Complexity of the cell structure. Cell का structure क्या है? तो या तो ये प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे. अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा शायद उन्हें डिफिकल्टीज आ रही होगी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है. स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत सारे डिफरेंसेस बताए थे. जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप डेफिनेटली उस वीडियो लेक्चर को देखें. लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आपको वो मिल जाएगा और आराम से आप देख लेना. उसमें बहुत अच्छे से मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है. इनफैक्ट ये जो लिविंग के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, सेल स्ट्रक्चर, सो उसमें मैंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के साथ साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया है. तो आप एक बार वहां जरूर देख लेना. सो हियर जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उसका बेसिस क्या था? उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? और ये इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि इनका जो आधार था वो बहुत ही ज्यादा सही था. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल जो है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले हैं या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस को मैंने बताया था उस लेक्चर में, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है, प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है, इस एक नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के नाम है. तो आप इसको जरूर माइंड में रखिएगा. और नेक्स्ट यूकैरियोटिक, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि यहां पे व्हाट वी कैन सी हियर, ऑल द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, लाइक न्यूक्लियस है तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, इनसाइड देयर स्फेरिकल बॉडी इज प्रेजेंट व्हिच इज सेड टू बी द न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन रेटिकुलम इज प्रेजेंट. सो दीज ऑल आर द वेल डेवलप्ड, वेल इवॉल्व्ड न्यूक्लियस. ये यूकैरियोटिक का फीचर है. प्रोकैरियोटिक में हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो डीएनए है वो नेकेड है, नॉट लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन. बट यूकैरियोटिक डीएनए क्या है, वो लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन. और हिस्टोन प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द हिस्टोन, विच इज अ बेसिक प्रोटीन, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, आई होप कि सभी का जवाब आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन का मोड क्या है, उनका फीडिंग हैबिट क्या था, ये ऑटोट्रॉफिक थे या हेटरोट्रॉफिक थे.
तो ये भी एक आधार उन्होंने माना कि जितने भी प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सो कर रहे थे, और जितने भी एनिमल्स थे वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सो कर रहे थे। जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में मैंने बताया, तो प्रोकैरियोट्स में सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले थे, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, राइट। और यूकैरियोट में सारे यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया। नाउ नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी है वो सिंगल सेल का बना हुआ है या मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल का बना हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग। अगर सिंगल सेल का बना हुआ है, इन द केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस। व्हाट आर द वाइटल फंक्शंस? लाइक सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, excretion, all are performed by this single cell. This is said to be the unicellular organism. For example, amoeba, paramecium, these are unicellular. Okay, multicellular, जिसमें बहुत सारे cells present हैं और complexity higher होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे group of cells वो tissue बना लेंगे, फिर टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखना शुरू कर देते हो मल्टी सेलुलरिटी के लेवल पे। मल्टी सेलुलर में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वाइटल एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलेगा, यानी डाइजेस्टिव सेल्स जो है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्टिव सेल्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सर्कुलेटरी सेल्स यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम को गवर्न करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम को गवर्न करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी मल्टी सेलुलर हो गया। तो मल्टी सेलुलरिटी एंड यूनिसेलुलरिटी, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी आधार मान करके उन्होंने क्लासिफाई किया। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक और द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बाद उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को भी इंक्लूड किया, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका उसके पूर्वज के साथ क्या कैरेक्टर कोई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उसके बेसिस पे भी उसको क्लासिफाई किया गया। द फाइव किंगडम सिस्टम्स आर मोनेरा। मोनेरा में क्या प्लेस किया? प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यानी कि विटेकर ने मोनेरा में, मोनेरा किंगडम मोनेरा में ऑल टू ऑल प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया, और प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस किया गया। तो ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर होंगे डेफिनेटली, मोनेरा में क्या होंगे? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। रूट जो मेन, जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो फीचर्स हैं वो ये है। नाउ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, यस यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो एग्जांपल्स हैं वो यूनिसेलुलर अल्गी भी आ गए, डायटम्स भी आ गए, प्रोटोजोआ भी आ गया, इसको प्लेस किया। प्लैंसी, मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और ये प्रोड्यूसर है, यानी they can able to synthesize their own food with the help of chloroplast, यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, यानी कि autotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। तो ये सारा आधार था प्लांसी में। तो जितने भी प्लांट्स जो कि इस तरह का नेचर परफॉर्म कर रहे थे उनको यहां पे प्लेस कर दिया गया। फंजाई, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, बट डोंट फॉरगेट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगसेस, वन एक्सेप्शन इज प्रेजेंट हियर एंड द नेम इज ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है, ये एक्सेप्शन है। ऑल टू ऑल अगर हम देखें फंजाई में मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर फंजाई एंड मॉल्स को यहां पर प्लेस किया गया। नाउ लास्ट द एनिमालिया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और ये कंज्यूमर, एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स यहां पे प्लेस किए गए। सो मेरिट ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो क्या मेरिट रहा,
तो इट रिफ्लेक्ट्स बेटर रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म विद रिगार्ड टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट रिफ्लेक्ट्स बेटर इवोल्यूशनरी ट्रेंड इंडिकेटिंग ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर वन. मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर से शुरू किया और फिर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर में आ गए. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ये सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं. सो इट रिफ्लेक्ट्स बेटर, ये इसका मेरिट था, इवोल्यूशनरी ट्रेंड इंडिकेटिंग ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वन. इट गिव्स बेटर प्लेसमेंट टू सर्टेन कंट्रोवर्सियल ग्रुप लाइक द साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना, जो अभी तक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सियल था, बट उसको एक एप्रोप्रिएट आधार मानकर डिफरेंट किंगडम में प्लेस कर दिया. लाइक साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रख दिया, फंजाई को सेपरेट किंगडम प्रोवाइड किया और यूग्लिना को प्रोटिस्टा में प्लेस किया. ठीक है, सेपरेशन ऑफ द किंगडम फंजाई फ्रॉम प्लांट सीम्स टू बी जस्टिफाइड एज अ फंजाई बी योर ओन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द बायोकेमिकल कैरेक्टर्स. बट ये तो सारे इसके मेरिट थे फाइव किंगडम सिस्टम के, कुछ डिमेरिट्स भी था. अब देखो, आप ठंडे दिमाग से सोचो, तो आपने देखा कि बैक्टीरिया को मोनेरा में प्लेस कर दिया. ठीक है, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया. बट बैक्टीरिया किस तरह के बैक्टीरिया, प्रिमिटिव और द ट्रू बैक्टीरिया. प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहाँ गए, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, डिमेरिट्स था. लेट्स सी, द पोजीशन ऑफ द वायरस इज नॉट क्लियर, पोजीशन ऑफ वायरस भी क्लियर नहीं हुआ. किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म हैविंग द डाइवर्स फॉर्म स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, हेंस डज नॉट सीम टू बी प्रॉपर ग्रुपिंग. यानी कि प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसमें जो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया उनका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल वो के आधार पे प्रॉपरली ग्रुपिंग नहीं हुआ. सम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अंडर द प्रोटिस्टा लाइक द डायनोफ्लेजेलेट आर नॉट यूकैरियोटिक, रादर वो क्या था, मेजोकैरियोटिक था. किसने बताया था, डॉज ने बताया था, याद रखना ये बात. सम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अंडर द प्रोटिस्टा, कुछ ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया और वो, जैसे कि डायनोफ्लेजेलेट की बात करें, डायनोफ्लेजेलेट आर नॉट यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटिस्टा का फीचर क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बट डायनोफ्लेजेलेट यूकैरियोट नहीं है, वो मेजोकैरियोट है. यानी इसमें कुछ फीचर प्रोकैरियोट के हैं तो कुछ यूकैरियोट के हैं. सो डायनोफ्लेजेलेट एंड यूकैरियोटिक, नो, इट इज रादर मेजोकैरियोटिक. किसने दिया, डॉज ने दिया था, याद रखना. So slime molds placed under the protista, which is differ considerably from the rest of the protist. Slime molds भी differ है, बाकी सारे protist थे, but उसको protista में ही place किया गया. The three higher kingdom, Plancy, Fungi and Animalia, seem to be polyphyletic. Plancy, Fungi और Animalia, ये क्या बताते हैं, ये बहुत मतलब polyphyletic सिचुएशंस को बताते हैं. काफी इसमें डिफरेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने को मिला. सो हाउएवर डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डिमेरिट, इतने सारे डिमेरिट्स के बावजूद भी विटिकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड. ठीक है, नाउ इसके बाद भी थ्री डोमेन का कॉन्सेप्ट आया, ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें भी कर रही हूं. थ्री किंगडम, आई मीन थ्री डोमेन ऑफ द लाइफ, कार्ल हूस ने 1990 में इंटायर ऑर्गेनिज्म के लिए थ्री डोमेन, मतलब ये जो किंगडम्स थे बेसिकली, उन किंगडम्स के लिए उन्होंने इंटायर इस किंगडम को तीन डोमेन में बांटा, या ऐसा बोले कि इंटायर ऑर्गेनिज्म को तीन डिफरेंट डोमेन में क्लासिफाई किया, बांट दिया. All of the life can be divided into the three domain which tell you the type of cell inside of an organism. The three domain are archaea, bacteria and eukarya. जैसा कि Whittaker में आपने क्या देखा, Whittaker के classification system में उन्होंने Monera में सारे prokaryotic organisms को रखे, but archaea bacteria का कहीं कोई जिक्र नहीं था,
बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड अंडर द किंगडम मोनेरा. आर्किबैक्टीरिया कहाँ गए? तो उसके लिए भी प्लेस नहीं था. बट लेकिन इस साइंटिस्ट ने, कार्ल हूस ने, इन्होंने एक सेपरेट डोमेन दिया, मतलब इंटायर ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन में बांट दिया. कहा जाए तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोनेरा जो किंगडम था उसको इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया. एक वो जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया वाले थे जिसको कहते हैं डोमेन आर्किया, और एक वो जो ट्रू बैक्टीरिया वाले थे उसे कहा गया यू बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये दो तो आ गए डोमेन, और एक में यू कैरिया आ गए, यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑल टू ऑल क्या होगा, जितने भी यू कैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमलिया, है ना. अच्छी बात कि इन्होंने इंटायर ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन में प्लेस किया, और तीन डोमेन में भी बेसिकली इनका आधार क्या रहा, विटेकर ने जो मोनेरा किंगडम में आर्किया को प्लेस नहीं किया, इन्होंने अपने इस सिस्टम में आर्किया के लिए एक अलग डोमेन रखा. यानी मोनेरा को ओवरऑल दो डोमेन में बांट दो तो आप क्या देखोगे, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है, तो द थ्री डोमेन आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यू कैरिया. इट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस इन द ईयर 1990, हू आल्सो प्रपोज्ड द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये कैसे पॉसिबल है, बहुत ही सिंपल है. लेट्स सी, डोमेन, इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने तीन डोमेन में बांटा, एंड दिस दिस इज आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया. ठीक है, डोमेन तक तो बात समझ में आई, और एग्जाम्पल उसमें रख दिया कि आर्किया में पूरे आर्किया, आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया गया. आर्की बैक्टीरिया मेथनोजेन, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल, इनको, जो कि एक्सट्रीम कैलमिटीज में सर्वाइव करते हैं, और ये प्रिमिटिव हैं. अगर देखा जाए इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो अपियर हुए वो क्या थे, वो आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके, मतलब सर्वाइव करने वाले थे. दूसरा है यू बैक्टीरिया, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनको प्लेस किया जाता है, साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा को भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं. यू कैरियोटा, यू कैरियोटा में ऑल टू ऑल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, माइकोटा मीन्स फंजाई, प्लांसी एंड एनिमेलिया को प्लेस किया. सो लेट्स सी कैसे ये पॉसिबल हुआ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. जैसा कि मैंने बताया, विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड प्लांसी था. मोनेरा को इन्होंने दो में कर दिया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. सो लेट्स सी, दिस इज आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, तो ये दोनों कौन सा हो गया डोमेन, आर्किया हो गया एक डोमेन, बैक्टीरिया हो गया दूसरा डोमेन, और ये यूकैरियोटा, यूकैरियोटा में ये चार के चार आ गए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से, लेट्स सी, दिस फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांसी, एनिमालिया. तो ये क्या है, ये बेसिकली ये चार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और इनको यूकैरियोटा डोमेन में रखा. तो फोर ये हो गए, यू बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया आ गए, एंड यू कैरिया जिसमें आर्किया आ गए. तो फोर फाइव सिक्स, टोटल सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसको किसने दिया, कार्ल वूस ने दिया इन द ईयर 1990. सो ओवरऑल आज हमने इस टॉपिक में क्या कवर किया, हमने आज इस टॉपिक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को कवर किया. इंटायर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने तरह के सिस्टम इंक्लूड हैं, हम लोगों ने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और साथ ही साथ फिर टू किंगडम कॉन्सेप्ट, थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट, फोर किंगडम कॉन्सेप्ट एंड द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डोमेन कॉन्सेप्ट को भी देखा, साथ ही साथ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी देखा. तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव भी था. तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें,
शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल भी करें। फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक में मैं बात करूंगी स्पेशली किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, वन बाय वन हम इस तरह से ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन बाय।